हेलो एवरीवन, सीखो सुखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ड्रा सिंबल ऑफ द कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स फोर। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स के अंदर जो आमतौर पर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके आपको सिंबल्स बताने हैं, और वो अलग अलग यहाँ मेंशन है कि किन के हमें सिंबल बताने हैं। तो पहला हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल का। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक सेल का एक सिंबल होता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पहले नेगेटिव टर्मिनल दिखा दें फिर पॉजिटिव टर्मिनल दिखा दें। तो ये दोनों जो सिंबल है ये इलेक्ट्रिक सेल को सिंबलाइज करते हैं। अब ओपन प्लग की का सिंबल कुछ इस तरह का रहता है, ये ओपन प्लग की है। और अगर बात की जाए क्लोज प्लग की तो क्लोज प्लग की ये रहेगा, क्लोज प्लग की का सिंबल कुछ ऐसा रहेगा, बीच में डॉट रहेगा, यह है क्लोज प्लग की। क्लोज प्लग की का मतलब है अब जो है सर्किट जो है क्लोज है और अब यहाँ सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। ये ओपन प्लग की का मतलब है अभी स्विच ऑफ है, यानी कि एक तरीके से वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, एक दूसरे को वायर क्रॉस करके जा रहे हैं कनेक्शन के बिना। तो किस तरीके से जाएंगे, तो देखिए अगर ये एक वायर है और अब इस दूसरे इसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है लेकिन आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो किस तरीके से वो जाएंगे, वो देखिए ये वायर इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। यानी कि ये जो सिंबल हो गया दिखा रहा है कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन कोई नहीं है। अगला है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये जो रजिस्टेंस का सिंबल है तो इसको हम इस तरीके से वेरिएबल रजिस्टर दिखाते हैं। इसी चीज़ को हम वेरिएबल रजिस्टर को इस तरीके से भी दिखाते हैं। तो दोनों में से आप कौन सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। अब बात आती है बैटरी की। तो बैटरी क्या है, बैटरी एक्चुअली कम्बिनेशन का है, कम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा सेल्स का। तो जो सेल का सिंबल हमने ये बनाया था, ये एक सेल हो गया, तो इसके साथ दूसरा सेल कनेक्ट कर दें, इसके साथ तीसरा सेल कनेक्ट कर दें, तो ये बैटरी हो गया है। ठीक है, तो ये एक बैटरी है जिसके अंदर तीन सेल कनेक्टेड है। अगर हमें दो सेल्स से बनाना है तो सिंपली हम ऐसे बना देंगे। तो ये भी एक बैटरी शो कर रहा है जिसके अंदर दो सेल है, ये एक बैटरी जिसके अंदर तीन सेल है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपसे पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बिल्कुल सिंपल रहता है ऐसे, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे सर्किट डायग्राम्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स के सिंबल पूछे गए थे।